अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना अस्तफा अम्मा बाद। आज मेरा मौजू है सदक़े के फ़ज़ाइल व बरकात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़ा गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसा पानी आग को बुझा देता है। और फिर इरशाद फरमाया, सदका देना उम्र को बढ़ाता है, उम्र दराजी करता है। एक शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास रहा करता था और वो शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। तो एक दिन मलकुल मौत ने आपसे कहा कि बस इस बंदे के अब 3 दिन रह गए, ये 3 दिन तक ज़िंदा रहेगा, फिर ये फौत हो जाएगा, वफात पा जाएगा। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, वो रंजिदा हुए, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता था इसलिए। तो 3 दिन गुजर गए, वो शख्स ज़िंदा है, अभी तक मरा नहीं। महीनों गुजर गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम देखने लगे कि तो अभी भी ज़िंदा है। फिर आपने मलकुल मौत से पूछा कि ये क्या हुआ, तो मलकुल मौत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बताया, हुआ ये था कि जिस दिन इसकी मौत आनी थी, इसने उस दिन सुबह में बाहर निकलकर 30 दिरहम यानी 30 दिरहम एक मिस्कीन को दे दिए और उस मिस्कीन ने इसको उम्र दराजी की दुआ दी। तो अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से, जो इसने सदका किया, उसकी बरकत से 1 दिरहम के बदले इसको 10 साल की और ज़िंदगी दे दी, 10 साल और इसकी उम्र बढ़ा दी 1 दिरहम के बदले। तो सुभान अल्लाह, ये बरकत ये होती है सदक़े की कि अगर हम सदका करते हैं तो हमारी मुसीबतें भी टल जाती हैं। सदक़े के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। तस्बीह करना भी सदका है, हर तकबीर सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, किसी को नेकी का हुक्म करना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है, रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना भी सदका है। ये सारे काम सदक़े में शामिल होते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स ने कोई दरख्त लगाया और उसका फल कोई जानवर या इंसान खाए तो वो भी उसके लिए सदका है। मेरी अजीज माँ और बहनों, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया तो ज़मीन कांपने लगी, फिर अल्लाह ने पहाड़ों को बनाकर उस पर कायम कर दिया जिसकी वजह से ज़मीन कांपना बंद हो गई। तो फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, क्या तूने इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त बनाई है, पहाड़ों से भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त बनाई है? तो अल्लाह ताला ने कहा, हाँ, मैंने लोहे को इससे भी ज़्यादा सख्त बनाया है। फिर फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, क्या तूने लोहे से भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त बनाई है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, मैंने आग को इससे भी ज़्यादा सख्त बनाई है। फिर फरिश्तों ने कहा, क्या इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त है? अल्लाह ने कहा, हाँ, मैंने पानी को बनाया है, पानी आग को बुझा देता है। फिर फरिश्तों ने सवाल किया, ए अल्लाह, क्या पानी से भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त बनाई है? फिर कहा, हाँ, वो बने आदम है, बने आदम दाहिने हाथ से इस तरह सदका करता है कि बाएं हाथ को पता नहीं चलने देता। इस वजह से, यानी कि सदक़े की बरकत की वजह से, और जब बंदा अपने माल में से सदका करता है तो उसका माल उस शख्स को ये कहता है कि पहले मैं छोटा था, अब तूने मुझे बड़ा कर दिया, पहले तू मेरा निगहबान था, अब मैं तेरा निगहबान हूँ, पहले मैं फानी था, अब तूने मुझे बाकी कर दिया, पहले मैं तेरा दुश्मन था, अब तूने मुझे दोस्त बना लिया, पहले मैं छोटा था, अब तूने मुझे बड़ा कर दिया, पहले मैं थोड़ा था, अब तूने मुझे ज़्यादा कर दिया। यानी कि सदका देने से माल में इस तरह इजाफा होता चला जाता है। जहन्नुम कहती है, ए अल्लाह, मुझे उम्मत मोहम्मदिया पर और उस शख्स पर जो सदका देने वाला है अजाब मुसल्लत करने में शर्म आती है, मैं ये नहीं चाहती कि मैं उनको अजाब दूँ जो सदका देने वाला है। और सदका करना अल्लाह के गुस्से को दूर करता है, सदका बलाओं को दूर करता है और मुसीबतों आफतों को दूर करता है, मुसीबतें सर पर आने को तैयार रहती हैं और सदका उसको हटा देता है। सदके के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। एक शख्स ने, एक आबिद ने एक शैतान से पूछा कि शैतान,
तेरे दोस्त कितने हैं? शैतान ने कहा कि तीन किस्म के लोग मेरे दोस्त हैं। पहला गुस्सा करने वाला, जो ज्यादा गुस्सा करता है उसको अपना दोस्त कहा। और दूसरा बखीली करने वाला, कंजूस करने वाला। और तीसरा शराब पीने वाला, शराब का आदि, शराब नोशी करने वाला। इन तीनों को शैतान ने अपना दोस्त करार दिया। और फिर शैतान ने कहा अगर ये तीनों चीजें किसी एक बंदे के अंदर शामिल हो जाए तो फिर तो क्या है, वो मेरा पीर बन जाता है, मैं उसका मुरीद बन जाता हूँ, यानी वो मेरा उस्ताद बन जाता है, मैं उसका शागिर्द बन जाता हूँ। ये फरमाया बुखल के बारे में, फरमायन के सब कुछ होते हुए अपने पास मालो दौलत भी है फिर भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे, फिर भी सदका नहीं दे रहे, उसको इकट्ठा कर रख रहे हैं, उस बंदे को शैतान ने अपना दोस्त मुकर्रर फरमाया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतरीन सदका औलाद को पालना है, औलाद की परवरिश करना सबसे बेहतरीन सदका है। और फिर इरशाद फरमाया क्या मैं तुम्हें इससे भी अफजल सदका ना बताऊं? कायनात में सबसे अफजल सदका वो ये है कि जिसकी बेटी को तलाक हो जाए या वो बेवा हो जाए, वो लौटकर अपने माँ बाप के घर आए, अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं है वो अपने भाई के घर पर आए और वो भाई उस बेटी पर खर्च करे, अपने खर्चे में से उस पर भी खर्च करे, इससे बढ़कर कोई और सदका नहीं है, ये कायनात का सबसे बढ़कर सदका है। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने वाला बनाए, हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।